Rockfever.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं। भारत में कोरोना महामारी से चिंताएं बढ़ने लगी हैं। राज्यों ने रियायत के बाद सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। हालात ऐसे हैं कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 91 लाख तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 45,000 से ज़्यादा मरीजों की पुष्टि हुई। दूसरी तरफ 501 मरीजों की जान चली गई। राहत की बात ठीक होते मरीजों की संख्या है, जबकि चिंता की बात है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखें तो भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है, जबकि मौत के मामले में दुनिया भर में भारत का नंबर 5वां है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 90,95,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,33,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केस बढ़कर 4,40,000 हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या 1,000 से ज़्यादा बढ़ी। अब तक कुल 85,21,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 43,493 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। अब बात करते हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद मतलब ICMR की। ICMR के मुताबिक देश में 21 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 13,17,00,000 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से करीब 11,00,000 सैंपल शनिवार को ही टेस्ट हुए। भारत में पॉजिटिविटी रेट 7% है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोरोना वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीन कब तक आएगा। भारत में कई वैक्सीन परीक्षण के अलग अलग चरण में है। उम्मीद है कि जल्द ही कोरोना की कोई कारगर और सुरक्षित वैक्सीन आ जाएगी। सरकार ने वैक्सीन को कम समय में देश के हर नागरिक तक पहुंचाने की रूपरेखा भी तैयार की है, जबकि दुनिया के कई देशों में कोविड वैक्सीन का परीक्षण जारी है। अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना के मुताबिक कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए सरकारों को एक खुराक की कीमत $25 से $37 देनी होगी, मतलब 2,000 से लेकर 3,000 रुपये के बीच वैक्सीन की एक खुराक मिलेगी। वैक्सीन की डील के लिए यूरोपीय यूनियन से बात जारी है। दूसरी तरफ फाइजर ने अमेरिकी नियामक से COVID-19 वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त मांगी है। फाइजर की जर्मनी सहयोगी बायोएनटेक की विकसित COVID-19 वैक्सीन हल्के और गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर 95% प्रभावी होने का दावा किया गया है। इन सब के बीच बात भारत की, जहां कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं को याद रखें, गाइडलाइंस को फॉलो करें और खुद को सुरक्षित रखें। इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।